अमित शाह का मेन फोकस रहा हुड्डा जी के ऊपर। और हुड्डा साहब मैदान में आइए, आंकड़ों के साथ आइए। आज के संबोधन से लग रहा था कि हरियाणा में भाजपा सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही अपना विरोधी मानती है, या वो ये समझते हैं कि हरियाणा में कोई मुकाबला कर सकता है तो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कर सकते हैं, कि अमित शाह जो कि हरियाणा के चुनाव की बावजूद उनका पूरी तरह से सवाल रखे हैं, उनके आज के व्यवहार और वक्तव्य से स्पष्ट हुआ कि वो हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना विरोधी मानते हैं, जबकि कल हरियाणा मांगे साहब आज से 10 साल पहले भाजपा ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वाड्रा जमीन घोटाले को लेकर बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हुड्डा को जेल में डालेंगे, वाड्रा ने बहुत बड़े घोटाले किए हैं। अब 10 साल तक हुड्डा साहब को जेल में डाल नहीं पाए, कोई आरोप साबित कर नहीं पाए, तो जनता तो हिसाब मांगेगी ही, जनता को न्याय चाहिए। क्या भाजपा झूठे वादे करके सत्ता में आई थी? अब इसका फैसला तो होगा ही, ये तो उल्टा हुआ। बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस ने आरंभ किया, जनता मांगे हिसाब, जनता तो भाजपा से भी हिसाब मांगेगी और कांग्रेस से भी हिसाब मांगेगी। हुड्डा साहब का 10 साल का कार्यकाल शायद जनता भूली नहीं है, उस 10 साल के कार्यकाल से ऊब कर ही उन्होंने भाजपा को चुना था, लेकिन अब 10 साल का भाजपा का कार्यकाल भी हो चुका है कि भाजपा ने सत्ता में आने के लिए जो वादे किए थे वो पूरे किए या नहीं किए।